आज हम करेंगे न्यू सैनिक स्कूल वर्सेस ओल्ड सैनिक स्कूल का कंप्लीट कंपैरिजन और जानेंगे दोनों में से बेटर कौन सा है। मेरा नाम है श्रेष्ठ गुप्ता और ये है सौरभ अग्रवाल सर। हेलो। क्योंकि मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हूँ पुराने वाले, तो मैं ओल्ड सैनिक स्कूल के बारे में बताऊंगा और सौरभ सर बताएंगे न्यू सैनिक स्कूल के बारे में। हिस्ट्री की बात करें तो 1960s में एस्टैब्लिश हुआ था ओल्ड सैनिक स्कूल, और नए सैनिक स्कूल का अनाउंसमेंट अभी अभी हुआ है कुछ सालों में। अगर नंबर ऑफ स्कूल्स की बात करें तो टोटल ओल्ड सैनिक स्कूल में 33 स्कूल्स और उतने ही रहेंगे, लेकिन नए सैनिक स्कूल की बात करें तो टोटल प्लानिंग 1000 स्कूल की है, जिसमें से फेज 1 में 100 स्कूल को अनाउंस किया गया है, जिसमें से 40 सैनिक स्कूल ऑलरेडी ओपन कर दिए गए हैं। अगर एफिलिएशन की बात की जाए तो ओल्ड सैनिक स्कूल में कंपलसरी है सीबीएसई बोर्ड, लेकिन नए सैनिक स्कूल की बात करें जाए तो मोस्टली सीबीएसई बोर्ड ही है। अगर एडमिशन की बात की जाए तो स्ट्रिक्टली थ्रू AISSEE यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही आपको ओल्ड सैनिक स्कूल में एडमिशन मिलता है, लेकिन नए सैनिक स्कूल की बात करें तो AISSEE के तो से होता ही एडमिशन, बट उसके अलावा भी बहुत सारे अदर क्राइटेरिया भी हैं। अगर ओल्ड सैनिक स्कूल के मैनेजमेंट की बात करें तो स्ट्रिक्टली मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसके अलावा कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन नए सैनिक स्कूल को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ साथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मिल करके चलाती है। मिलिट्री ट्रेनिंग की बात की जाए तो डीपली रूटेड और कंपलसरी है ओल्ड सैनिक स्कूल में, लेकिन नए सैनिक स्कूल में हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बोर्डर्स के लिए नहीं है, वो डे बोर्डिंग के लिए भी अलाउड है। अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की तो एक्सटेंसिव फैसिलिटीज आपको ओल्ड सैनिक स्कूल में मिलती है, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे बहुत लार्ज एरिया में स्कूल बना होता है और हर तरीके की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। बट न्यू सैनिक स्कूल जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके बनी हुई है तो उसमें बहुत ज्यादा वेरी करी होती है ये चीजें, स्कूल टू स्कूल बहुत ज्यादा वेरी होती है सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम स्टाफ की बात करें तो यहाँ पर मिलिट्री ट्रेंड स्टाफ होते हैं ओल्ड सैनिक स्कूल में, प्लस वहाँ के प्रिंसिपल, हेडमास्टर और रजिस्ट्रार, किसी ना किसी कोई ना कोई ऑफिसर होते हैं इंडियन डिफेंस में। और नए सैनिक स्कूल में जो जितने भी टीचर्स होते हैं वो क्वालिफाइड होते हैं और उनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर 6 मंथ की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अगर बोर्डिंग की बात की जाए तो ओल्ड सैनिक स्कूल में कंपलसरी है आपको बोर्डिंग करना, यानी कि हॉस्टल में रहना, और जैसा कि मैंने आपको बताया न्यू सैनिक स्कूल में कंपलसरी नहीं है, बहुत सारे सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल डे बोर्डर्स के लिए भी अलाउड किए गए हैं। अगर रिजर्वेशन की बात की जाए तो ओल्ड सैनिक स्कूल्स में ओबीसी, एसटी, एससी और डिफेंस प्लस डोमिसाइल यानी कि स्टेट रिजर्वेशन भी मिलता है, लेकिन नए सैनिक स्कूल की बात करें तो हमने जो आरटीआई है राइट टू एजुकेशन वहां पर हमने डाला था, तो वहां पर लिख करके आया था कि न्यू सैनिक स्कूल में भी डिट्टो वैसी ही रिजर्वेशन है जैसी ओल्ड सैनिक स्कूल में होती है, लेकिन अगर आप 2024 का बुलेटिन उठा के देखेंगे तो वहां पर कोई रिजर्वेशन मेंशन नहीं है। तो अगर हम ये बताएं कि हमारे हिसाब से न्यू सैनिक स्कूल अच्छा है ओल्ड सैनिक स्कूल, तो हम कहेंगे ओल्ड सैनिक स्कूल, क्योंकि वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, वहां पर कोई भी चीज रिसर्च ट्रेनिंग नहीं चल रही है, वहां सब कुछ परफेक्ट हो चुका है, एक्स मिलिट्री जो ऑफिसर्स हैं वो वहां के प्रिंसिपल्स हैं, मैनेज कर रहे हैं स्कूल को। तो आप 33 ओल्ड सैनिक स्कूल की जब आप बात करते हो तो ओवरऑल सब में पूरा सेम आपको वही ट्रस्ट आएगा, लेकिन नए सैनिक स्कूल में जो है हर चीजें वेरी करती हैं स्कूल टू स्कूल, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी उनको चला रहे हैं, तो हो सकता है कुछ नए सैनिक स्कूल ओल्ड से अच्छे हो और कुछ ना हो, तो आपको इंडिविजुअल रिसर्च करना पड़ेगा, इसलिए हमारा ट्रस्ट है ओल्ड सैनिक स्कूल। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एडुमेंशन सैनिक के नौदे। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।